हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो सबसे पहले आज कौन सी क्लास है? आज है क्लास थर्ड। इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल। उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक होता है कि व्हाट इज जीरो पॉलीनोमियल, वो स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा मेन टॉपिक है जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, उस पर चलते हैं। तो व्हाट इज जीरो पॉलीनोमियल, क्या है एक जीरो पॉलीनोमियल, वो देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जीरो पॉलिनोमियल की, तो वो होता है जीरो इज नोन एज, जीरो इज नोन एज द जीरो पॉलिनोमियल। सब कुछ जीरो ही है, जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो पे खत्म हो गया। नेक्स्ट, डिग्री ऑफ द जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होगी, इज नॉट डिफाइंड। मतलब कि डिग्री अगर हम बोल देंगे जीरो पॉलिनोमियल की, तो वो डिफाइन ही नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें किसी पी एक्स, जो कि फंक्शन ही जीरो है, तो ये क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है। मतलब पॉलिनोमियल जिसका फंक्शन की पूरे वैल्यू जीरो ही है। तो एक्स की वैल्यू चाहे 7 लगा लो, जीरो के साथ से एक्स की वैल्यू 100 लगा लो, चाहे जीरो के साथ एक्स की वैल्यू इंफिनिटी कुछ भी लगा लो, पर पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू को डिफाइन नहीं किया गया है। एक्स की वैल्यू क्या है, डिग्री। मीन्स डिग्री पॉलिनोमियल की डिफाइन ही नहीं हो पा रही, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, नॉट डिफाइन। मतलब जीरो पॉलिनोमियल वो होता है जिसके पॉलिनोमियल की वैल्यू ही जीरो होती है, साथ ही साथ अगर हम पूछ ले डिग्री, तो वो डिफाइन। चलिए, अब हमारा मेन टॉपिक जो आता है वो होता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल तो पढ़ लिया, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है वो देखिए। अगर बात कर दे कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, तो वो क्या होता है, वो होता है द वैल्यू ऑफ द एफ एक्स। देखिए, द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब कोई वैल्यू फंक्शन की जिसकी वैल्यू दी गई हो, वो इज ऑब्टेंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग, मीन्स उसकी जगह पर एक्स इज इक्वल टू ए इन द गिवन पॉलिनोमियल एंड इज डिनोटेड बाय एफ ए। समझ में आया क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना है, फंक्शन पे उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है एक्स की जगह पर। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल टू 7x² माइनस 2x प्लस 6। अगर x की जगह पर ये देते पी 1, तो मीन्स आपको x की जगह पर 1 लिखना है। तो बस 7 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2, फिर 1 को पुट करेंगे प्लस 6, तो 7 माइनस 2 प्लस 6 तो क्या आएगा, 11। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 11। तो ये जो वैल्यू आई है, यही है क्या, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, अब एक छोटा सा क्वेश्चन खुद निकालिएगा। क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 और एक्स इज इक्वल टू 1। मीन्स यहां पर x की वैल्यू खुद पुट करके आप दो वैल्यू निकालिए, ठीक। तो पहले एक्स की जगह पर अगर जीरो पुट करते हैं, तो क्या आएगा, जीरो स्क्वायर
प्लस टू इंटू जीरो प्लस वन, तो वैल्यू टोटल क्या आई, वन। वेन अगर x की वैल्यू हम वन पुट करते हैं तब क्या आएगा, तो वन का स्क्वायर प्लस टू इंटू वन प्लस वन, दैट इज वन प्लस टू प्लस वन, टोटल फोर। तो यहाँ पर दो वैल्यूज आई हैं पॉलीनोमियल की, वैल्यूज ऑफ अ पॉलीनोमियल। समझ में आया? अब चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है और मेन टॉपिक है इस क्लास में जिसको पढ़ना है, वो है जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। मींस जीरोस फाइंड करने हैं पॉलीनोमियल की, या वो वैल्यू जहां पर जीरो आ जाए। ठीक, तो देखिए अब हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो है जीरोस ऑफ अ पॉलीनोमियल। क्या होता है? इट इज अ रियल नंबर विच मेक्स द वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल मीन्स एक रियल नंबर जो पूरे वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल क्या निकल के आए, जीरो। तो देखिए अगर हम एग्जांपल को लेकर सॉल्व करें, जैसे कि पी एक्स इज इक्वल्स टू सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस वन, पुट एक्स इज इक्वल्स टू वन बाय टू, ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए ध्यान से, सिक्स वन बाय टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस फाइव वन बाय टू प्लस वन, तो क्या आएगा, सिक्स बाय फोर माइनस फाइव बाय टू प्लस वन, एलसीएम लेंगे तो फोर आएगा, तो सिक्स माइनस टेन प्लस फोर, तो टोटल क्या आया, जीरो। यहाँ पर क्या आई वैल्यू ऑफ अ पॉलीनोमियल, क्या है, तो जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल का मतलब होता है कि आपको एक एक्स की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। तभी इससे पहले हमने आपको पढ़ाया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल। समझ में आया? एक्स की कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना उसकी जगह पर, वो जो उसके सॉल्व करने के बाद जो चीज़ आती है वो होती है वैल्यू ऑफ द पॉलीनोमियल। और जब बात हो जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, तो मतलब सॉल्व करने के बाद क्या आना चाहिए, पूरा जीरो आना चाहिए वैल्यू हमेशा। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं सॉल्व के लिए। देखिए जैसे कि क्वेश्चन ले लिया हमने, सिक्स एक्स प्लस वन हंड्रेड टू, वो कह रहा है कि द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल, तो मतलब जीरो तो आंसर आना है, तो एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करें। तो देखिए सिक्स इंटू एक्स प्लस कॉमन ले लेते हैं, तो सिक्स वन जा सिक्स सेवन सिक्स जा, मतलब x की जगह पे एक ऐसी वैल्यू पुट करो कि ओवरऑल पूरा क्या हो जाए, जीरो। तो अगर हम x की जगह पर माइनस सेवनटीन पुट कर दें, तो देखते हैं जरा क्या आनेगा, सिक्स इज इक्वल टू माइनस सेवनटीन प्लस सेवनटीन, ओवरऑल में जीरो। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, माइनस सेवनटीन। समझ में आया? नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन और क्या है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस फोर, ये कैसे करेंगे, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि टू इंटू टू में डिवाइड होगा, फोर वन जा फोर होगा इसका फैक्टर, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फोर, एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस फोर, और यहाँ पर माइनस वन कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस फोर, तो क्या आएगा, एक्स माइनस वन एक फैक्टर होगा और एक एक्स प्लस फोर होगा। मतलब अगर हम एक्स की जगह पर वन या माइनस फोर पुट करेंगे तो यहाँ पर जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल आ जाएगा। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारा जो मेन टॉपिक था जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल वो ओवर हो गया है, पर बात आती है कि हर बार कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए कुछ रूल होते हैं। सबसे पहले डिवीजन ऑफ द पॉलीनोमियल, वो क्या होता है वो देखिए, अगर बोल दे डिवीजन ऑफ द पॉलीनोमियल करेंगे तो वो कैसे करेंगे वो देखिए।
एग्जाम्पल के साथ करेंगे ताकि जल्दी समझ में आए। देखिए डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे कि लेट एक क्वेश्चन ले लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बाय एक्स प्लस वन, तो इसका डिवीजन कैसे करेंगे वो देखिए। सबसे पहले एक्स प्लस वन फैक्टर है इसका, तो उसको तो बाहर रखेंगे। दूसरा चीज एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू क्या है, डिवीजन। नेक्स्ट अब एक्स का ऐसा मल्टीप्लाई करो कि ये आ जाए, तो एक्स एक्स का मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस वन एक्स। अब कर लो सब्ट्रैक्ट, माइनस कर लिया ये कट गया, यहाँ कितना आया थ्री एक्स में से अगर माइनस वन एक्स होगा तो क्या बचेगा टू एक्स और प्लस टू। अब अगर हम टू का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा टू एक्स प्लस टू, तो ओवरऑल में जीरो। तो यहाँ पर जो फैक्टर बन गया वो क्या बन गया एक्स प्लस टू। समझ में आया क्या आया कि क्वेश्चन जो आया इसमें डिवीजन करने पे तो वो क्या आया एक्स प्लस टू। समझ में आ गया, आगे देखिए। अब एक नई चीज जो आती है इसमें आती है वो है व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। देखिए रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, जैसे अभी हमने डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ाया उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, वो आपको खुद प्रैक्टिस करने होंगे। मैंने एक करके दिखा दिया ताकि आपको क्या है टॉपिक में और कैसे करना है वो समझ में आ जाए। देखिए अब बात आ रही है व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम, तो लेट एफ एक्स बी एन एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू वन एंड वेयर ए बी एन एनी रियल, मतलब एफ एक्स कोई भी पॉलिनोमियल का हो जिसकी डिग्री या तो बराबर हो या बड़ी हो वन से, मतलब एक से तो बड़ी होगी। दूसरी चीज कि ए बी एन रियल, और जैसे कि मान लो अगर हम ले ले एक्स माइनस टू, क्या एक्स माइनस टू ठीक, और फंक्शन का वैल्यू क्या दे दी गई है एक्स की पावर फाइव माइनस थ्री एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस फाइव। देखो एक्स की वैल्यू क्या चेक करनी, सबसे पहले एक्स की जो डिग्री होगी वो हमेशा या तो वन या वन से बड़ी होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है फाइव फोर थ्री टू और जीरो ठीक। नेक्स्ट अब बात हो रही है अगर एक्स की पावर माइनस टू रख देंगे, मान लो एक्स प्लस टू दिया गया है तो एक्स की पावर माइनस टू वैल्यू कितनी रखेंगे माइनस टू, तो अब पुट कर देते हैं माइनस टू की पावर फाइव माइनस थ्री और माइनस टू की पावर फोर प्लस टू माइनस टू की पावर क्यूब प्लस माइनस टू की पावर थ्री प्लस फाइव। तो देखिए टू की पावर टू टू ज फोर टू ज एट टू ज सिक्सटीन टू ज थर्टी टू, साथ ही साथ माइनस। नेक्स्ट माइनस सिक्सटीन, तो सिक्सटीन थ्री ज फोर्टी एट प्लस टू टू ज फोर टू ज एट एट टू ज सिक्सटीन, तो यहाँ पर आएगा माइनस सिक्सटीन और फिर ये स्क्वायर है तो टू टू ज फोर प्लस फाइव, तो टोटल सॉल्व करने पर आएगा 96 माइनस का और प्लस का 9, जो कि ओवरऑल में आंसर आएगा माइनस 87। समझ में आया, रिमाइंडर थ्योरम का मतलब होता है जो फैक्टर आपका बन रहा है उसको आप क्या कर सकते हैं उसमें उसके फंक्शन की वैल्यू पुट करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं कि एलसीएम क्या बचेगा। जैसे कि अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन ले लिया, देखिए जैसे मान लो एक क्वेश्चन ले लिया पी एक्स इज इक्वल्स टू टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस फोर, अब डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू देन रिमाइंडर। सीधे रिमाइंडर निकालना है तो कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हम उसको डिवाइड करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हमें जब सिर्फ रिमाइंडर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। समझ में आया? क्यों? क्योंकि एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एक्स की वैल्यू टू। अब बस टू को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो टू कॉमा टू का क्यूब माइनस थ्री, टू का स्क्वायर प्लस फाइव, टू माइनस फोर। तो टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट, एट टू ज़ा सिक्सटीन, माइनस टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, प्लस टेन माइनस फोर। क्या आंसर आया? पहले प्लस वालों को एक साथ कर लो तो आएगा 26, और फिर माइनस वालों कर लो तो आएगा 16, आंसर आएगा 10। मतलब रिमाइंडर क्या आया? 10। समझ में आया? बिना डिवाइड करे हमने रिमाइंडर निकाल लिया, क्या आएगा? 10। समझ में आ गया? तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती है, जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। समझ में आया? तो आज की क्लास में जिसका टॉपिक था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, उसमें रिलेटेड जितना कुछ था सब पढ़ा दिया गया है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग प्रॉपर पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, जिसमें हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप। अगर क्वाड्रेटिक आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर क्यूबिक इक्वेशन आएगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो देखेंगे। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।